इग्नू जनवरी और जुलाई से शुरू होने वाले दो सत्रों में प्रवेश प्रदान करता है। जुलाई 2022 के लिए प्रवेश पीजी डिप्लोमा शुरू हो गया है। इग्नू 236 कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रदान करता है, जिसमें 27 स्नातक, 48 स्नातकोत्तर, 48 डिप्लोमा, 15 पीजी सर्टिफिकेट, 70 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। ये कार्यक्रम ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL माध्यम पर है, जहां छात्रों को स्पीड पोस्ट द्वारा अध्ययन सामग्री मिलेगी और स्थानीय अध्ययन केंद्र में कक्षाएं आयोजित की जाएगी। इग्नू जुलाई 2022 रात्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। MBA, MCA, MAJ, MC, अरबी, रूसी, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाओं आदि सहित 36 कार्यक्रम ऑनलाइन पेश किए जाते हैं। इस ऑनलाइन पद्धति में सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से सामग्री प्रदान की जाती है। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इग्नू के ODL और ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किए जाने वाले 2 साल के MBA के लिए 4 विशेषज्ञता और 2 साल के MCA कार्यक्रम के लिए AICTE ने सीटों में वृद्धि की है। इग्नू के 2 साल के MBA के लिए कोई भी स्नातक 50% अंक, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45% और बिना किसी प्रवेश परीक्षा के सीधा प्रवेश ले सकते हैं। 2 वर्षीय MCA कार्यक्रम के लिए कोई भी स्नातक 50% अंक और 12वीं में गणित विषय के साथ ले सकते हैं। अब AICTE ने MBA और MCA प्रोग्राम को ऑनलाइन माध्यम से भी मंजूरी दे दी है। काम करने वाले जो अध्ययन केंद्र में शनिवार और रविवार कक्षाओं में भाग लेने के लिए कम समय निकाल पाएंगे, उनके लिए अधिक उपयोगी होंगे। इग्नू MCA कार्यक्रम में द लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस आदि जैसे अधिकांश अग्रवर्ती विषय शामिल है। ये सभी ऑनलाइन एडमिशन्स हैं और ये पूरा डिटेल्स के लिए www.ignou.ac.in पर जाके पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वैसे ये फ्रेश एडमिशन के लिए 31 जुलाई तक डेट है और इग्नू में इस बार ये सुविधा है कि MBA और MCA प्रोग्राम्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन है। ये दोनों प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी हैं और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ये दोनों में है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में आपको बुक्स भी मिलेगा और क्लासेस भी होगा सैटरडे संडे में स्टडी सेंटर में। ऑनलाइन में मटेरियल भी ऑनलाइन मिलेगा डिजिटल फॉर्म में और क्लासेस भी ऑनलाइन ही होगा और ये AICTE अप्रूव्ड है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।